हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मेन रोड में गाड़ी क्यों कैसे चलाएं। जैसे आप देख रहे हैं आगे मेन रोड है, यहाँ से बहुत सारे गाड़ी ट्रक वगैरह देखिए, जैसे आप देख सकते हैं ट्रक बस वगैरह चलते रहती है। तो इस वाले रोड में जो बिगिनर ड्राइवर होते हैं, जो जस्ट अभी ग्राउंड से बाहर निकले या हल्का फुल्का घर या मोहल्ला तरफ का रोड में गाड़ी चलाते हैं, तो ये मेन रोड में अक्सर लोग डरते भी हैं कि मेन रोड में चलाने से बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है, उसमें कैसे चलाएं। तो आज मैं बेसिकली इसी चीज के बारे में टोटल डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ टिप्स भी प्रोवाइड करने वाला हूँ कि जो हमारे बिगिनर ड्राइवर है वो लोगों को कार ड्राइविंग करने में इजी हो और उसको कुछ अच्छे से ट्रिप्स प्रोवाइड हो सके, ताकि वो बिना डरे भी मेन रोड में गाड़ी चला सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप कोई बिगिनर ड्राइवर है, अगर आपको कोई डर लगता है मेन रोड चलाने में, तो ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। इससे आपका सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छा टिप्स भी प्रोवाइड होगा और आप इजिली गाड़ी चला सके मेन रोड में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं गाड़ी के अंदर आ गए हूं, अब मैं गाड़ी को सीधे स्टार्ट करता हूं, उसके बाद मैं आपको चल के दिखाता हूं। उससे पहले सीट बेल्ट जरूर बांध ले फ्रेंड्स। हमेशा याद रखें कि जब भी गाड़ी ड्राइव करे सीट बेल्ट हमेशा जरूरी है। सीट बेल्ट ये आपको सेफ्टी प्रोवाइड करती है, इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर आप किसी को हिट करते तो ये आपको सेफ्टी प्रोवाइड करती है, ये आपको सेफ कर सकती है बहुत हद तक। ठीक है, तो चलिए मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूं। अब देखिए, मैं गाड़ी को सबसे पहले इनिशियल से समझिए, मेन रोड में अगर आप ग्राउंड में है, ठीक है, ग्राउंड और मेन रोड में बहुत ही अंतर है। ग्राउंड में आप थोड़ा ज्यादा स्टीयरिंग घुमा देते हैं, आपको पता नहीं चलता, बट यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा करेंगे आप पता चलेगा ये साइड से वो साइड चलेगा। तो स्टीयरिंग और एक्सीलेटर ये दोनों इतना ज्यादा लाइट रखिए जितना आपको जरूरत हो। हमेशा याद रखिए, पहले क्या है स्टीयरिंग, आपको इतना काटना जितना आपको जरूरत हो, ज्यादा काट देंगे उस वाले रोड में चले जाएगा। और दूसरा क्या है एक्सीलेटर, इतना हल्का रखना जितना आपको जरूरत हो, पता चला ज्यादा एक्सीलेटर प्रेस करेंगे आप किसी को भी हिट कर देंगे। तो मेन रोड में हमेशा ये दो चीज का ध्यान रखना, आपको एक्सीलेटर और स्टीयरिंग। ठीक है, तो अभी देखिए, जैसे मैं रोड के इस साइड में लेफ्ट साइड में दबा कर रखा हूँ, रोड वहां से स्टार्ट है, तो अब मुझे रोड पे जाना है। ठीक है, आगे देखिए पोल है तो मुझे स्टीयरिंग को पूरा काट के ले जाना है, बट आपको हमेशा लुकिंग ग्लास पे मिरर पे देखना है पीछे पे ORVM में कि कौन से पहले गाड़ी आ रही है। ठीक है, तो ऐसे नहीं अचानक गियर लगा चल दिए, पीछे कोई भी गाड़ी स्पीड में होगी आपको हिट कर देगी, तो ऐसा गलती कभी ना करें। उसको करने के लिए सबसे पहले देखिए मैं मिरर पे देख लिया, फिर भी मैं इधर से राइट के इंडिकेटर दे रहा हूँ, फिर एक नंबर लगाया हूँ। देखिए, अब मैं लुकिंग ग्लास पे देख ले हूं, देखिए वो आगे से जा रहे हैं, उसको जाने दीजिए। उसके बाद मैं धीरे धीरे स्टीयरिंग को मोड़ रहा हूँ, उसके बाद देखिए अब मैं वापस से फिर से सीधा कर लिया। तो ये आप एंटर कर गए रोड में, अब यहाँ से एकदम जितना धीरे हो सके, अभी आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आप टॉप गियर लगाने पे ध्यान ना दे। ठीक है, आप दो से तीन ही गियर में चलाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप इजिली चलाए, किसी को ओवरटेक फर्स्ट में मत करें, पहले आप स्लो स्लो ही चले, आराम से चले, जितना आपका यूज जगह मिल रहा है वही चले। आप जबरदस्ती स्पीड में ओवरटेक करने का चक्कर में वो भी होगा, एक जब आप अच्छे से एक्सपीरियंस ले लेंगे रोड का तो आप ओवरटेक इजिली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, हॉर्न दे, इसको समझदारी होता है, हॉर्न दे, पास का यूज करे, हर एक चीज को यूज करे प्रॉपर जगह पे। ठीक है, अभी जैसे देखिए रोड में मुझे खाली मिला तो मैं स्पीड को आगे बढ़ाया हूँ। ठीक है, देखिए ये सारा अक्सर चीज होता है, स्कूटी है अभी उधर से आपके साइड में आ गया, तो ये चीज आपको सोचना है, यानी कि स्पीड में उसको उड़ा देना है। ठीक है, आप आराम से चलते रहिए, अब जैसे ही आपका स्पीड और टाइम पे गियर चेंज करिए कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आप देखिए, जैसे सपोज आगे में अगर कोई गाड़ी स्लो हो रही है तो आप यहीं से एक्सीलेटर को छोड़ दे, आपको तो ब्रेक दबाना ही पड़ेगा, फिर अगर वहां जाके उससे आप पहले ही मिस गाड़ी से कुछ न कुछ डिस्टेंस रखे, मिस कम से कम 5 से 7 मीटर का आपको डिस्टेंस, एनी टाइम सेफ्टी डिस्टेंस रखना होगा, ताकि अगर वो गाड़ी इमरजेंसी ब्रेक लगाएंगे तो आपको ये टाइम मिल सके, आप अपने गाड़ी को कंट्रोल कर सके। क्यों, अभी आप बिगिनर से आपको अकबका के कभी पता चला ब्रेक की जगह में एक्सीलेटर दबा दी, इसलिए ऐसा गलती कभी ना करें। ठीक है, तो आराम आराम से चले और जितना हो सके अपने साइड में चले। देखिए मैं अपना साइड पकड़ के चल रहा हूँ, थोड़ा सा याद रखिए, पूरा भी दब के नहीं चलना, आपको 1 से 1.5 फीट मीन्स थोड़ा सा इस साइड में चलना, थोड़ा सा जगह रखना, इसलिए जगह रखना कि कल होके अचानक कोई गाड़ी सामने से आती तो आपको थोड़ा सा जगह मिल सकता है, आपको पता है कि मेरे पास 1.5 फीट का और रास्ता मैं दब सकता हूँ। ठीक है, बट अगर पूरा दब के चल रहे हैं कोई अचानक आ गया तो आपके पास और जगह नहीं है, आप किसी और चीज में हिट कर सकते हैं, जैसे साइड में कोई पोल वगैरह देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रिक पोल वगैरह, तो इसमें हिट कर सकते हैं अचानक कोई गाड़ी स्पीड से आई, तो ऐसा गलती ना करें। थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस लेफ्ट साइड से भी चले, ठीक है, लेफ्ट में चलना ही आपको, बट थोड़ा सा उससे भी जगह आपको छोड़ के चलना, जैसे देखिए ये साइकिल वगैरह चलती है, ये इतना जगह आपको छोड़ के हमेशा चलना है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए अब हमेशा याद रखिए कि बहुत सारे टर्निंग्स वगैरह आते रहते हैं, जैसे यहाँ टर्न है, तो इस वाले केस में आप अपने साइड में चले और ज्यादा स्पीड ना चले, ताकि कोई भी उधर से गाड़ी आ गई, क्योंकि ये ब्लाइंड स्पॉट है। ठीक है, वहां से आपको दिखता नहीं है कि कोई भी गाड़ी कब कैसे आ गई, तो आपके पास इतना एटलीस्ट स्पीड पे कंट्रोल रहेगा कि आप कंट्रोल कर सके। ठीक है, देखिए जैसे ये गाड़ी जा रही है, इसको हॉर्न दे, ठीक है, ये रुक गया, ठीक है, हॉर्न दे एक्सर और लुकिंग ग्लास में जितना ORVM है
लेफ्ट राइट और सेंटर, इसको आपको देखते रहना। एक अच्छा ड्राइवर का यही पहचान है कि उसका नजर सिर्फ सामने की ओर नहीं रहता, हर एक चीज पे रहता है। आपको स्टेयरिंग पे ध्यान नहीं देना, आपको गियर पे ध्यान नहीं देना, आपको सीव मिरर पे ध्यान देना, जितना भी लुकिंग ग्लास है ORVM है, लेफ्ट राइट और सेंटर इस चीज पे ध्यान देना, उसका सामने की ओर नजर जमाए रखना है, ठीक है। आपका नजर हमेशा चारों तरफ घूमते रहेगा, एक जगह सिर्फ सामने देख के नहीं चलाना, आपको मिरर पे भी ध्यान देना है। कब कौन बात, देखिए ये इंडिकेटर दिया, मैं इसको हॉर्न दिया, ये रुक गया, अगर ये नहीं रुकता तो आपको रोकना पड़ता था, ठीक है। ये चीज का थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देना है, जैसे वो घुसने चाह रहा है इंडिकेटर दे रहा, अगर आपके पास जगह है, आपको लगता है वो हॉर्न देने से रुक गया तो ही निकाले, अदरवाइज आप रुक जाइए, उसको जाने दीजिए। अभी अभी आप रोड में निकले हैं तो ऐसा गलती कभी ना करें जल्दबाजी, वरना अगर फर्स्ट में अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है तो आपका हमेशा के लिए डर हो जाता है, ठीक है। तो ये गलती कभी नहीं, देखिए वो सामने से ट्रक आ रही है, मैं इसको पास दे रहा हूँ, देखिए पास दे रहा हूँ, देखिए कैसे अपने साइड में जा रहा, देखिए चला गया अपने साइड में, तो आपको पास का भी यूज करना है। सामने से वो गाड़ी आती है क्योंकि आपके लेन पे चल रहे, आप किधर जाएंगे, आप बीच रोड में खड़ा तो नहीं होंगे, तो उसको आपको पास देना है कि मैं आ रहा हूँ, मुझे रास्ता दो, तो ऑटोमेटिक आपको रास्ता देके अपना अगर जगह होगा तो अपने लाइन में कट जाएगा। अगर नहीं रुकता इनकेस तो उसके भरोसा भी मत रखिए, आपको सेफ्टी डिस्टेंस साइड में आ जाइए, गाड़ी को रोक लीजिए, ज्यादा दिक्कत होगा, गाड़ी खड़ी कर लीजिए, ठोकने से अच्छा है कि गाड़ी को खड़े कर लीजिए, सबसे बढ़िया है। तो फ्रेंड्स उसी तरह से आपको चलना है, आराम से अपने साइड में लेन पे बना के स्टेयरिंग के जैसे मैं आपको बताया एकदम मैं लाइटली पकड़ा हूँ, ठीक है, और स्टेयरिंग व्हील को यहाँ पे होल्ड करें, सबसे अच्छा पोजीशन है यहाँ पे, ठीक है, ये स्टेयरिंग व्हील होल्ड करने का सबसे अच्छा। अभी आप दोनों हाथ से होल्ड करें, मैं हमेशा बताया हूँ कि एक हाथ से बैलेंस बनाए, बट अगर आप मेन रोड में फर्स्ट टाइम चला तो आप दोनों हाथ से होल्ड करके धीरे धीरे आपको बैलेंस बनाना, ताकि आपको आदत बना रहे, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो गाड़ी को कंट्रोल करने में। जैसे देखिए मैं आपको आराम से यहाँ से दिखा रहा हूँ कैसे मैं इसको कैसे होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए। इससे क्या होगा कि आपको ज्यादा, हाँ अगर आप इसको ज्यादा घुमा रहे हैं तो उससे क्या होता है कि फिर आपको वापस से सीधा भी करना है, तो अगर आपको सीधा और घुमाने में पता चला बहुत ज्यादा टाइम लगे और आप किसी को हिट कर दिए, तो ऐसा गलती कभी भी ना करें फ्रेंड्स, इससे अक्सर नुकसान हो सकता है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। आप जितना हो सके उतना लाइट, जैसे मैं एक्सीलरेटर देखिए मैं गाड़ी को 20 से 30 की स्पीड में चला रहा हूँ, आप भी ऐसे ही स्पीड में पहले जस्ट फील करें, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं मेन रोड में, मैं गाड़ी चलाना सीखी 80-90 वो आप चला सकते हैं, बट एक अच्छा ड्राइवर स्लो में खराब रास्ते पे कितना आराम से चलाता है कि गाड़ी को जर्कने लगे, वही एक अच्छे ड्राइवर का पहचान होती है, ठीक है फ्रेंड। आप आराम से चलाएं, अकबका के नहीं चलाएं, वो ज्यादा बेहतर है, ना कि आप खाली रोड में 80-90 चला रहे, पता चला जब वो खराब रास्ता है कुदकाते हुए चले, जो भी पैसेंजर आपके फैमिली बैठ रहे उनको तकलीफ होगा, तो ऐसा नहीं करें। आप आराम से जस्ट अभी आप बैलेंस बनाए, जस्ट फील करें कि मैं मेन रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ, बस यही आपको फील करना है और इसी को समझना है, ठीक है। आपको हमेशा लुकिंग ग्लास पे ध्यान देना है, जैसे मिरर पे ध्यान देना है, जैसे देखिए मैं देखा तो इसको अपने साइड में देखिए वो आराम से चला गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको चेक करते रहना है, तो इससे क्या होता है कि आपको पता चलते रहेगा कि कौन गाड़ी आ रहा है। अगर आपको राइट लेना होगा तो इंडिकेटर में पहले से देना होगा आपको, ना कि आपको यहीं से घुमाना है, यही इंडिकेटर दे घुमा दिए, नहीं, जस्ट आपको जैसे वहां से घूमना है, आपको टर्न लेना है, तो इंडिकेटर यहां से देना होगा अभी से कम 200-300 मीटर पहले से, ताकि अगर कोई गाड़ी स्पीड से भी आ रही तो उसको इंडिकेटर दिख करके वो अपने गाड़ी को स्लो कर ले। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया, आप आराम से गाड़ी को चला सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे कार चलाने का, उतना ज्यादा आपको आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, मीन्स जितना ज्यादा आप खराब रास्तों पे चलेंगे जहां पे आपको डर होता है, सपोज आपसे अगर गाड़ी जर्किन पे बंद हो जाता तो आप कंटिन्यूअस एक दिन जर्किन को ही पार करें सिर्फ, ठीक है। आपको सपोज गियर लगाने में कोई प्रॉब्लम होती है, मीन्स एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर फंस रहा, तो आप एक दिन गाड़ी खड़ी करके खाली देखिए, जैसे कलच दबाए इसे ये एक हो गया, फिर ये दो हो गया, गाड़ी बंद है ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ऐसे कर करके प्रैक्टिस करिए जिसमें आपको प्रॉब्लम रहा। एक नंबर लगा के गाड़ी बंद हो जा रही है तो मैं इसका प्रीवियस वीडियो बनाया, आप जाकर देख सकते हैं, और सिर्फ आप एक नंबर लगा के आगे पीछे करें, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ठीक है। आज जो फटाफट गियर लगा के कैसे भी चला सकते हैं, देखे होंगे आपके कोई दोस्त वगैरह कोई भी होंगे बहुत अच्छा, आप सुने होंगे कि बहुत अच्छा ड्राइवर है, तो वो अच्छा ड्राइवर सडनली एक दिन में नहीं बन गया, ठीक है, उसको भी टाइम लगा हुआ, वो उसको एक्सपीरियंस लगा हुआ। उनसे आप पूछेंगे कि भाई आप कितने साल से गाड़ी चलाए, तो वो बोलेंगे 10 साल से 15 साल से 5 साल से, तो वो 5 साल कंटिन्यूअस चलाया है तब जाके एक्सपीरियंस हुआ। और आप अभी नए नए गाड़ी चला रहे हैं तो ये एक्सपीरियंस अभी गेन कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हर कोई गेन कर सकता है। कैसे गेन करेंगे, जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस लेंगे गाड़ी का, ठीक है। आपको सपोज एक गियर में प्रॉब्लम तो गियर का ज्यादा प्रैक्टिस करें खड़ी करके गाड़ी को, आपको एक नंबर लगा के झटका बंद होता तो आप एक नंबर गियर लगा के आगे पीछे करते रहे, उसी को क्लियर करें जब तक वो क्लियर नहीं हो जाए। सपोज आपको जर्क में जर्किन वगैरह जो ब्रेकर आता है उसमें पार करते हैं गाड़ी बंद हो जाते हैं, तो आप कंटिन्यूस एक दिन उसी को पार करने में लगा दीजिए, ठीक है।
तो ऐसे करते करते आपको एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। आपको टर्निंग स्टेयरिंग पे नहीं आता तो स्टेयरिंग को लगाते हुए, मीन्स आपको स्टेयरिंग व्हील पे कंट्रोल नहीं आ रहा तो एक दिन कंट्रोल आप घर या मोहल्ला रास्ते में खाली स्टेयरिंग व्हील को कंट्रोल करना सीखे, कैसे काटना है हमको कैसे। तो जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस करेंगे, मीन्स जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ठीक है। उसी तरह से मेन रोड में होता है, जितना ज्यादा आप गाड़ी को मेन रोड में अच्छे से चलाएंगे उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। तो बट वो कैसे होगा, जब आप लर्निंग पीरियड मीन्स एक्सपीरियंस लेने की नजर से चलाएंगे, ना कि मैं आप चलाने आ गया हूँ मैं स्पीड भी चलाऊंगा। ऐसा करेंगे तो आपके साथ हमेशा गलत हो ही गा, मैक्सिमम चांस आपके साथ गलत होना ही होना है। कभी ना कभी आप किसी को हिट कर सकते हैं, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो ऐसा गलती कभी ना करें। आप जिस एक्सपीरियंस लीजिए, अभी अभी आपका स्टार्टिंग हुआ, गाड़ी तो आपको जिंदगी भर चलाना है, आप कभी भी चलाइएगा, बट एक्सपीरियंस आपको अभी से लेना है। अगर आप अभी से खराब मीन्स कोई भी गलत तरीके से आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे तो आपको हमेशा का हमेशा उसी गलत तरीके से आपको चलाना पड़ेगा। तो इससे आपको आपको ही नुकसान है, आपका गाड़ी को भी नुकसान है। तो ऐसा गलती कभी ना करें, प्रॉपर ढंग से गाड़ी को चलाएं, जितना हो सके एक्सपीरियंस ले, उससे आपका ज्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा और अच्छा से आप गाड़ी को सेफली ड्राइव भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया हो। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे एक सिंपल कमेंट करें, मैं वहां पर जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।